नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑडियो स्ट्राइम में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन साड़ा और लेके आया हूँ आज आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूँ आज ही आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के डेली डोज के बारे में और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का ऑटो तड़का पसंद आया होगा। अगर आप देखना भूल गए हैं तो नीचे आइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, देखिए और बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहली डेली डोज की, तो ये आ रही है एक रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट बोलती है कि जो जियो का गीगा फाइबर आने वाला है वो इतना सस्ता नहीं होने वाला है जितना मोबाइल प्लान आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, कॉस्ट थोड़ी हाई देखने को मिल सकती है और यहाँ पे आप जानते हैं तीन पैक में यह आएगा जिसके अंदर अलग अलग आपको चीजें मिलेगी, तो उसी के कारण यहाँ प्राइसिंग आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो आप वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार से जियो गीगा फाइबर आता है, क्या प्राइसिंग निकल के आती है और कौन कौन सी सिटीज में देखने को मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे हैं जियो गीगा फाइबर का, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, यह आ रही है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 सीरीज से और यहाँ पे दो न्यूज आई है। पहली न्यूज ये आई है कि सैमसंग यहाँ लॉन्च करने वाला है एक नई एक्साइनस चिपसेट और ये 7 अगस्त को लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो बोले जा रहे हैं कि ये नोट 10 सीरीज के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी न्यूज ये आई है कि जो नोट 10 प्लस और नोट 10 है उनकी प्राइसिंग यहाँ स्टार्ट हो रही है $949 से। जी हाँ, प्राइसिंग अभी ये निकल के आई है। अब वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, क्या ओवरऑल लुक होते हैं, क्या होते हैं इनके फ्यूचर और क्या ये वर्थ रखते हैं परचेस करना। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इनमें से कोई भी एक स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो ये आ रही है गूगल असिस्टेंट से और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि अब ये रीड कर सकता है टेक्स्ट को, वो भी आपके व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, स्लैक से और ऐसे ही अदर जो थर्ड पार्टी मैसेजिंग ऐप है उनसे। तो यहाँ पे इजी हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल बहुत इंप्रूव कर रहा है असिस्टेंट को, नए नए चीजें इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नया फीचर पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, यह आ रही है सिस्का कंपनी की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया है नया स्पीकर, यह है बूम बॉक्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें नाम की, तो ये BT670 है और यहाँ पर और लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है। बात करें यहाँ पे फीचर की, तो यहाँ आपको मल्टी फंक्शनल बटन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप इजिली आंसर और एंड कर सकते हैं कॉल्स को, या आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं इनकमिंग कॉल्स को। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आप इजिली लास्ट नंबर को डायल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको USB मोड मिल जाएगा, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 3.5 mm जैक मिल जाएगा, ऑक्स मोड भी मिल जाएगा, बिल्ट इन FM रेडियो भी आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम एडजस्टमेंट मिल जाएगा, चार्जिंग मिल जाएगी, 50 mm का ड्राइवर मिल जाएगा जिसके कारण जो ओवरऑल क्वालिटी है वो अच्छी मिलेगी और बेस भी आपको अच्छा मिलने वाला है। 500 mAh की आपको बिल्ट इन बैटरी मिलेगी और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि आपको प्ले टाइम मिल जाता है 6 से 7 घंटे का। यहाँ पे बात करें अदर चीज़ों की, तो यहाँ आपको 6 W का आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अदर कनेक्टिविटी में आपको मिल जाते हैं A2DP, AVRCP और HFP और HSP, तो यहाँ पे अदर कनेक्टिविटीज भी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे बात कर लें अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की, तो ये अवेलेबल हो चुके हैं और यहाँ पे प्राइसिंग रखी गई है 2699। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस नए स्पीकर को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो यह आ रही है सैमसंग गैलेक्सी बुक S से और यहाँ पर आप जानते हैं ये नई बुक आने वाली है। अब यहाँ पे आए हैं कुछ नए रेंडर सामने जिसके अंदर मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से इसका लुक देखने मिलेगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत थिन बेजल्स आपको मिल रहे हैं और बहुत ही स्लिम आपको ये लैपटॉप मिल रहा है और ओवरऑल लुक वाइज ये बहुत ही तगड़ा लग रहा है। तो अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये रेंडर पसंद आए कि नहीं आए, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की, तो यार ये हुंडई की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने अनवील कर दिया है क्रेटा का नया एडिशन, ये है स्पोर्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको ये दो कलर में मिलता है, एक है ब्लैक एंड व्हाइट ड्यूल टोन वाला और एक है ब्लैक कलर। यहाँ पे बात करें क्या क्या नई नई चीजें देखने मिलेगी, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नया कलर में स्किड प्लेट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको मिल जाते हैं स्मोक बाय फंक्शनल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, यहाँ पर आपको स्मार्ट वाला इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, यहाँ पर ब्लैक एंड डार्क में
आपको क्रोम फ्रंट ग्रिल मिल जाएगा, या मैं बात करें और चीज़ों की तो रेयर स्पॉइलर मिल जाएगा, ब्लैक सीट मिल जाएगी आपको इंटीरियर में, और क्रेटा की इम्बोसिंग आपको यहाँ देखो मिलेगी। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की तो लेदर में आपको रेप्ड मिलेगा स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग मिल जाएगी और सिल्वर कलर में गार्निश मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एसी वेंट्स के अंदर आगे और पीछे की तरफ सिल्वर कलर में आपको ये मिल रहा है। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की तो आपको ब्लैक कलर में ORVM मिल जाता है, नए सिल्वर कलर में आपको रूफ रेल्स देखो मिल जाएगी जो कि ओवरऑल लुक अच्छा देती है। यहाँ पे बात करें प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी की तो ये अवेलेबल हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेना चाहते हैं जो कि है 1.6 वाला, वो पड़ेगा आपको 12.78 लाख का। वहीं अगर आप डीजल वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो पड़ेगा आपको 14.13 लाख का। तो अब आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप इस स्पोर्ट एडिशन को लेना पसंद करेंगे तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डॉज की तो ये आ रही है सैमसंग गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 से, और यहाँ पर आप जानते हैं हमारा वीडियो आएगा उससे पहले ये एक्टिव 2 लॉन्च हो जाएगी, परंतु यहाँ पे आए हैं कुछ नए रेंडर और उसके अंदर मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से इसका लुक देखने को मिलेगा। जी हाँ, स्मॉल वेरियंट कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा और लुक वाइज ये अच्छी लग रही है, वहीं जो बड़ा वेरियंट है वो कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो और लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे कल तक हमारे को सारी डिटेल मिल जाएगी, तो आपसे कल बात करेंगे इसके बारे में। अब आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप लेना पसंद करेंगे गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डॉज की तो ये आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से, और यहाँ पे इन्होंने टीज कर दिया है इनकी XL6 को। यहाँ पर आप जानते हैं ये नई MPV आने वाली है। अब यहाँ पे कुछ नए लुक्स इन्होंने शेयर किए हैं जिसके अंदर बताया कि कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे नई ग्रिल आपको मिल रही है, यहाँ पे आपको DRL कंटिन्यूस मिल रही है जो कि ग्रिल से कनेक्टेड लग रही है, और हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं LED वाले, और लुक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बात कर ले इंटीरियर की तो इंटीरियर में आप देखेंगे 6 लीटर के हिसाब से इसे बनाया है, लग रहा है कि आपको स्पेस अच्छी मिल सकती है। यहाँ पे बात करें और चीज़ों की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्रोम कलर में आपको फिनिशिंग मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम भी पहले से बड़ा लग रहा है। तो वो लुक वाइज ये अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कितने वेरियंट्स में देखने मिलता है, और क्या होती है इसकी प्राइसिंग, और क्या ये वर्थ रखती है परचेस करना। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप मारुति सुजुकी की ये XL6 को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जितना हो सके इससे फैलाइए, और हो सके तो डोनेट कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारडा। भारत माता की जय।